चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है, अब पार्लियामेंट में नैब कानून में तरमीम करके केस खत्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ दुनिया से डॉलर मांगकर मुल्क और कौम की बेइज्जती का बायस बन रहे हैं, दुनिया मांगने वाली कौम की इज्जत नहीं करती। वो इस्लामाबाद में गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। रोज उनके केस माफ हो रहे हैं, पहले कानून बनाते हैं खुद, पहले खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। अब चोरों के हमने इससे निकलना है जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है, कर्जे ले लेके वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है, खुददार कौमों की इज्जत होती है, जो इंसान अपनी इज्जत करवाता है उसकी इज्जत होती है। आप अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे कोई इज्जत नहीं करेगा।